Very good morning, students. Welcome to this online lecture of secretarial practice. अगर आप लोगों को ध्यान में होगा, हम लोग चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं एसपी में, एंड दैट इज सेक्रेटरी चैप्टर नंबर 1. इस चैप्टर नंबर 1 में आपको ये किताब मिल गई होगी. क्लासेस की तरफ से हम लोग ये बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. मैंने अभी तक जो कुछ भी सिखाया है आपको, सिलेबस का इंट्रोडक्शन दिया था मैंने फर्स्ट लेक्चर में, फर्स्ट चैप्टर सेक्रेटरी स्टार्ट किया जिसमें हमने इंट्रोडक्शन के बारे में बात करी. अब आज वापस से मैं क्यों रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि लास्ट सैटरडे हमारा लेक्चर नहीं हो पाया था. अगर आपको ध्यान में होगा तो पिछले 2 हफ्ते से हमारा लेक्चर नहीं हो पा रहा है गणपति की वजह से और 15 अगस्त की वजह से, तो काफी बड़ा गैप आ गया. इसलिए मैं आपको थोड़ा सा एक याद करवा रहा हूँ. चैप्टर नंबर 1 में मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाया था. इंट्रोडक्शन में मैंने आपको कहा कि वी आर लिविंग इन ए ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, और इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में हम बहुत लार्ज स्केल पर बिजनेस कर रहे हैं. लार्ज स्केल पर बिजनेस करने के लिए हमें एक्सपर्ट हेल्प की जरूरत पड़ती है, और इसी एक्सपर्ट हेल्प में एक हेल्प जो हमें करता है दैट इज सेक्रेटरी. इंट्रोडक्शन के बाद में मैंने आपको ओरिजिन ऑफ सेक्रेटरी करवाया था. ये भी आपको पेज नंबर 1 पर मिलेगा कि भाई ये ओरिजिन ऑफ सेक्रेटरी, आई टोल्ड यू कि सेक्रेटरी का प्रोफेशन इस दुनिया के सबसे पुराने प्रोफेशंस में से एक है. इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोफेशंस. प्राचीन समय में, एंशियंट टाइम्स में सेक्रेटरी की सर्विसेज की जरूरत राजा महाराजाओं को पड़ती थी. ये राजा महाराजा जो है अपने रूटीन एक्टिविटीज को हैंडल करने के लिए, अपने राज्य के प्रशासन को चलाने के लिए सेक्रेटरी की मदद लेते थे. एंशियंट टाइम्स में, रोमन एम्पायर में जो व्यक्ति राजा के सलाहकार के रूप में काम करता था उसे हम स्क्रिबे कहते हैं. इंडियन सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें तो उसे अमात्या या सचिवा कहते हैं. एंड सिमिलरली अगर आप महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में राजा के दरबार में, या आज भी मॉडर्न टाइम्स में जो व्यक्ति सेक्रेटरी के रूप में काम करता है उसको हम चिटनिस कहते हैं. ये सेक्रेटरी शब्द कहां से आया वो भी मैंने आपको यहीं पर बता दिया था ऑन पेज नंबर 1 दैट इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेक्रेटेरियस. पेज की आखिरी लाइन पर है सेक्रेटेरियस. सेक्रेटेरियस का मतलब होता है कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर या कॉन्फिडेंशियल राइटर. अगले पेज पर ये टेबल आपने देखा. फिर हमने मीनिंग एंड डेफिनेशन के अंदर 2 डेफिनेशंस किए सेक्रेटरी के. एक डेफिनेशन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक था, और दूसरा डेफिनेशन जो है वो इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 के मुताबिक किया, और लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस अबाउट द फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी. यहां तक हमारा कंप्लीट हो चुका है. तो ये मीनिंग, डेफिनेशन एंड फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी आपको मिलेगा पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3 पे. पेज नंबर 2 एंड पेज नंबर 3 इन योर प्रिंटेड बुक. अब उसके बाद अगर आप टर्न करोगे तो आपको पेज नंबर 4 पर मिलेगा इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी. पेज नंबर 4 जरा ओपन करें. ओपन योर बुक्स टू पेज नंबर 4. आई होप आपके पास किताब होगी. इस पेज नंबर 4 में ये जो इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी है, दिस इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी हैज बीन ओमिटेड. आपके सिलेबस में से इसको ओमिट कर दिया गया है. अब सवाल ये उठता है कि व्हाई इट हैज बीन ओमिटेड. तो इसका जवाब ये है कि कोरोना की वजह से इस साल कॉलेजेस देर से खुल रही है. तो देर से खुलने की वजह से क्या होगा कि पूरा सिलेबस कर पाना पॉसिबल नहीं होगा. इट विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट द एंटायर सिलेबस. और इस वजह से मुंबई बोर्ड ने सिलेबस को 25% कम किया है,
और इस 25% कम करने की वजह से हर चैप्टर में से थोड़े थोड़ी जो चीजें उनको हटा दिया गया है और उसी में से एक है इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी, यानी कि सेक्रेटरी का महत्व क्या है, सेक्रेटरी का इंपॉर्टेंस क्या है, दैट हैज बीन ओमिटेड। तो आप कृपया उसको अपनी बुक में साइड में इस तरह से हेडिंग के पास एक छोटा सा क्रॉस बना देंगे कि भाई ये पार्ट ओमिट किया गया है, और आप आ जाएंगे सीधा पेज नंबर 5 पर जहां पर स्टार्ट हो रहा है टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी। कम टू पेज नंबर 5, टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी। पेज नंबर 5। सी सेक्रेटरी जो है ना, ये कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर है जिसके लिए भी वो काम करता है। अब सवाल ये उठता है कि सेक्रेटरी कईयों के लिए काम करता है। इनफैक्ट आज की तारीख में ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहां पर हमें सेक्रेटरी के सर्विसेज की जरूरत ना पड़ती हो। इन मॉडर्न वर्ल्ड एवरी फील्ड, एवरी ऑक्यूपेशन नीड्स द सर्विसेज ऑफ सेक्रेटरी। तो सेक्रेटरी ब्रॉडली, अगर आपको ध्यान में होगा पिछली बार फीचर्स में हमने किया था कि सेक्रेटरी जो है दो कैटेगरीज में डिवाइड किए जा सकते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। पहला कैटेगरी जो है दैट इज पर्सनल सेक्रेटरी, पहला क्लासिफिकेशन या कैटेगरी जो है दैट इज पर्सनल सेक्रेटरी, और दूसरा क्लासिफिकेशन जो है दैट इज इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। द सेकेंड वन इज इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। सो पहला है पर्सनल सेक्रेटरी और दूसरा है इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी में पहले हम पर्सनल सेक्रेटरी की बात करते हैं। बेसिकली जब ये टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी हम डिस्कस करेंगे तो इस टाइप्स में हमको तीन चीजें डिस्कस करनी। We need to discuss three important things. सबसे पहले उस पर्टिकुलर सेक्रेटरी का मीनिंग, बराबर है। दूसरा उस सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट, और तीसरा उस सेक्रेटरी का क्वालिफिकेशन। हर प्रकार का जो सेक्रेटरी हम डिस्कस करेंगे, चाहे वो प्राइवेट सेक्रेटरी या पर्सनल सेक्रेटरी हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी हो, उसका मीनिंग, उसका अपॉइंटमेंट कौन करता है और उसका क्वालिफिकेशन क्या है, बेसिकली वो डिस्कस किया जाएगा। हम आते हैं सबसे पहले पर्सनल सेक्रेटरी पर, इंस्टीट्यूशनल पे बाद में जाएंगे। फर्स्ट टॉकिंग अबाउट पर्सनल सेक्रेटरी, सबसे पहली बात, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, पर्सनल सेक्रेटरी जो है ये दुनिया का सबसे पुराना यानी के ओल्डेस्ट टाइप ऑफ सेक्रेटरी है। सबसे पुराना, ओल्डेस्ट। व्हाई? क्योंकि जो प्राचीन टाइम में हम बात करते थे राजा महाराजा का सेक्रेटरी, वो पर्सनल सेक्रेटरी था, बराबर है। दैट वॉज पर्सनल सेक्रेटरी। उस समय में धृतराष्ट्र के पास संजय हुआ करता था। आज भी अगर हम देखें तो राजा महाराजाओं के एग्जाम्पल्स में कई एग्जाम्पल्स हैं। अकबर के पास बीरबल हुआ करता था। ये सब पर्सनल सेक्रेटरी थे, और यही पर्सनल सेक्रेटरी से ही
सेक्रेटरी के ऑक्यूपेशन की शुरुआत हुई। सो ही इज कंसीडर्ड एज द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ सेक्रेटरी। ये जो इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी है ना, ये बाद में आए, दे केम लेटर ऑन, यानी के तकरीबन इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन के बाद हमें इंस्टीट्यूशनल, लेकिन इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन से सब पहले अगर हम एंशिएंट टाइम्स की बात करें, प्राचीन समय की बात करें, तो सबसे पुराना सेक्रेटरी जो कि राजा महाराजा के लिए काम करता था, चाहे रोमन एम्पायर हो चाहे इंडियन सिविलाइजेशन हो, हमें पर्सनल सेक्रेटरी देखने को मिलता है। सो ही इज कंसिडर्ड एज द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ सेक्रेटरी। अब ये जो पर्सनल सेक्रेटरी है, इस पर्सनल सेक्रेटरी को हम प्राइवेट सेक्रेटरी भी कहते हैं। सो ही इज ऑल्सो नोन एज प्राइवेट सेक्रेटरी। प्राइवेट सेक्रेटरी क्यों? क्योंकि वो प्राइवेटली सिर्फ अपने एम्प्लॉयर के लिए काम करता है, किसी और के लिए नहीं करता। कई लोग इस पर्सनल सेक्रेटरी को पीए के नाम से भी संबोधित करते हैं। किसके नाम से? पीए। अब पीए मतलब ये वाला पीए नहीं है, पीए का मतलब है पर्सनल असिस्टेंट। So, ये पर्सनल सेक्रेटरी जो है उसे हम प्राइवेट सेक्रेटरी भी कहते हैं, पीए यानी के पर्सनल असिस्टेंट भी कहा जा सकता है। इस सेक्रेटरी को बिजी इंडिविजुअल्स अपॉइंट करते हैं। अगर अपॉइंटमेंट की बात करूं तो इसको कौन अपॉइंट करता है? सर, समाज में कुछ बेहद प्रतिष्ठित लोग हैं, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, डॉक्टर्स, लॉयर्स, एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आर्किटेक्ट्स, मिनिस्टर्स, ये लोग इतने व्यस्त होते हैं कि इनके पास अपने छोटे मोटे कामों के लिए टाइम नहीं होता है, और यही बिजी इंडिविजुअल अपॉइंट करते हैं पर्सनल सेक्रेटरी को। दे अपॉइंट पर्सनल सेक्रेटरी। सो ये जो पर्सनल सेक्रेटरी है, he is appointed by busy individuals, busy individuals इसे appoint करते हैं जो बेहद व्यस्त लोग हैं। अब ये व्यस्त लोगों का example हम ले लेते हैं कि भाई ये busy individuals कौन है। सर, ये बिजी इंडिविजुअल्स मिनिस्टर्स हो सकते हैं, यानी कि मंत्री जी, प्रधानमंत्री हो सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं, सीएम। इसके अलावा दे कैन बी लाइक एमपीस, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलएस यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एक्सेट्रा। ये लोग बहुत व्यस्त होते हैं, दिन भर में न जाने कितने लोगों से मिलना होता है, सभाओं को अटेंड करना होता है, कितनी सारी मीटिंग्स अटेंड करनी होती है, बहुत बिजी होते हैं, इनके पास अपने छोटे मोटे काम के लिए टाइम नहीं होता है। तो ये लोग पीए यानी कि अपना पर्सनल असिस्टेंट अपॉइंट करते हैं, सेक्रेटरी अपॉइंट करते हैं। अच्छा, मिनिस्टर्स के अलावा बड़े बड़े बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, बड़े बड़े व्यापारी, उद्योगपति यानी के इंडस्ट्रियलिस्ट, एक्सेट्रा। आज मुकेश अंबानी है, रतन टाटा है,
अजीम प्रेम जी है, ये लोग बड़े बड़े बिजनेसमैन, व्यापारी और उद्योगपति है। इनको भी बहुत काम होता है और इनके पास अपने छोटे मोटे, आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि मुकेश अंबानी अपने घर का लाइट बिल भरने के लिए जाएगा और उधर इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के वहां पे लाइन में खड़ा रहेगा। क्या इनके पास समय है? क्या मुख्यमंत्री के पास समय है कि अपने बच्चे की स्कूल फीस भरने के लिए स्कूल में जाके लाइन में खड़ा रहेगा? नहीं, ये लोग बहुत बिजी है और इसी वजह से अपने छोटे मोटे कामों को करने के हिसाब से ये लोग पर्सनल सेक्रेटरी अपॉइंट करते हैं। अच्छा, इनके अलावा प्रोफेशनल्स हैं कुछ, जैसे के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बराबर है, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आर्किटेक्ट्स, एक्सेट्रा, ये लोग भी बहुत बिजी होते हैं। इनके पास भी अपने छोटे मोटे, आज एक डॉक्टर है, मान लीजिए स्पेशलिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट है, वो हॉस्पिटल में पेशेंट्स का इलाज करेगा या बैंक में पैसे जमा करने के लिए जाएगा? क्योंकि अगर वो बैंक में पैसे जमा करने के लिए जाता है तो बैंक में 1 घंटा वेस्ट हो जाएगा, तब तक तो पेशेंट की जान चली जाएगी। इसलिए इस डॉक्टर ने एक पर्सनल असिस्टेंट अपॉइंट किया है जो बैंक का काम हैंडल कर लेता है, ऑफिस के कामकाज को संभाल लेता है, ये सेक्रेटरी हिसाब किताब के काम को भी हैंडल कर लेता है, क्योंकि डॉक्टर को तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिखना आता नहीं है, उसने तो साइंस की पढ़ाई करी है, कॉमर्स तो पढ़ा नहीं है उसने, तो डॉक्टर डज नॉट नो हाउ टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो सेक्रेटरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इनकम और एक्सपेंडिचर का भी हिसाब किताब रख लेगा। सो ये वो लोग हैं, बिजी इंडिविजुअल्स, जिनके पास अपने रूटीन एक्टिविटीज के लिए समय नहीं होता और इसीलिए ये लोग सेक्रेटरी को अपॉइंट करते हैं। सो अपॉइंटेड बाय बिजी इंडिविजुअल्स, क्यों अपॉइंट किया जाता है? टू हैंडल ये बिजी इंडिविजुअल, इनको क्यों अपॉइंट करते हैं? ये बिजी इंडिविजुअल इनको अपॉइंट करते हैं टू हैंडल रूटीन एंड रेगुलर एक्टिविटीज, अपने रोजमर्रा के छोटे मोटे कामकाज को हैंडल करने के हिसाब से इनको अपॉइंट किया जाता है। यानी कि ये पर्सनल सेक्रेटरी अपने मालिक के लिए बैंक का कामकाज संभाल लेगा, उसके बैंक की एक्टिविटीज को हैंडल कर लेता है, पैसे जमा करना है, विड्रॉ करना है, पेमेंट करना है, पैसे ट्रांसफर करने हैं, बैंकिंग एक्टिविटीज हैंडल कर लेता है। बैंकिंग एक्टिविटीज हैंडल करने के साथ साथ लाइक बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स हैंडल कर लेता है, डेली रूटीन डायरी मेंटेन करना, डेली रूटीन, क्योंकि क्या है, फिल्म स्टार्स है, मान लो चलो इसमें हम कैटेगरी ऐड कर लें कि भाई इसमें फिल्म स्टार्स भी होते हैं, ठीक है, इसमें स्पोर्ट्स वाले भी होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी, सेलिब्रिटीज, आज अमिताभ बच्चन है, कौन से दिन कौन सी फिल्म के लिए कौन से स्टूडियो में शूटिंग के लिए जाना है, अमिताभ थोड़े याद रखता हो, तो बहुत बड़ा व्यक्ति है, तो सेक्रेटरी रखा है, वो डेली रूटीन की डायरी मेंटेन करता है कि साहब को कौन से दिन कहां जाना है, किससे मिलना है, किधर शूटिंग है, सारा सब कुछ। इसके अलावा वो उनके पर्सनल काम भी हैंडल करता है, सेक्रेटरी अपने मालिक के पर्सनल
वर्क को भी हैंडल करता है, उनके ट्रैवलिंग का अरेंजमेंट करना, ठीक है, उनके ऑफिस का कामकाज संभालना, दैट इज ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन। सब कुछ मतलब कॉरेस्पॉन्डेंस या पत्र व्यवहार भी हैंडल करेगा मालिक के बिहाफ में, अपने मालिक के बिहाफ में किसी सरकारी दफ्तर में जाना है, किसी सरकारी बाबू से मिलना है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट की बातचीत करनी है, सब कुछ, एवरीथिंग इज हैंडल बाय द पर्सनल सेक्रेटरी। आज कोई मंत्री जी है तो पर्सनल सेक्रेटरी ही सारा काम का संभालता है, क्योंकि मंत्री जी देश चलाएंगे कि छोटे मोटे कामों को हैंडल करेंगे, और इसलिए पर्सनल सेक्रेटरी अपॉइंट किया जाता है टू हैंडल रूटीन एंड रेगुलर एक्टिविटीज। अब बातचीत पे आते हैं कि भाई एक पर्सनल सेक्रेटरी बनने के लिए क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, हाउ मच शुड बी द क्वालिफिकेशन। तो वेल, टॉकिंग अबाउट क्वालिफिकेशन, किसी कानून के अंदर पर्सनल सेक्रेटरी बनने का कोई खास क्वालिफिकेशन नहीं दिया है। सो एक पर्सनल सेक्रेटरी बनने के लिए नो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन, कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यदि जॉइंट स्टॉक कंपनी में सेक्रेटरी बनना है तो मेरे पास सीएस का डिग्री होना चाहिए, लेकिन पर्सनल सेक्रेटरी बनने के लिए मेरे पास कोई डिग्री नहीं है तो भी मैं पर्सनल सेक्रेटरी बन सकता हूं। नॉर्मली कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन फिर भी एक पर्सनल सेक्रेटरी बनने के लिए ठीक ठाक पढ़ा लिखा तो होना चाहिए ना। आप किसी चौथी फेल को अपना पर्सनल सेक्रेटरी बनाएंगे क्या? नहीं, उसको तो कुछ भी नहीं आता है। सो ही मस्ट हैव साउंड जनरल एजुकेशन। साउंड जनरल एजुकेशन का मतलब है ठीक ठाक पढ़ा लिखा होना चाहिए, जिसके पास क्या तो बैचलर्स की डिग्री हो या अदरवाइज मास्टर्स की डिग्री हो, कॉमर्स में या आर्ट्स में, यानी कि इशू आइदर भी बीए और एमए, बी कॉम या एम कॉम, ठीक ठाक पढ़ा लिखा होना चाहिए। अच्छा, ठीक ठाक पढ़े लिखे होने के साथ साथ एक पर्सनल सेक्रेटरी बनने के लिए आपको अकाउंट्स, क्योंकि हिसाब किताब तो रखना पड़ेगा अपने एम्प्लॉयर का, अपने मालिक का, जिसके लिए भी पर्सनल सेक्रेटरी काम करता है उसका हिसाब किताब रखने के हिसाब से अकाउंट्स का नॉलेज होना चाहिए। अकाउंट्स का नॉलेज होने के साथ साथ बैंकिंग, यानी कि बैंक में किस तरह से कामकाज किया जाता है, पे स्लिप कैसे भरते हैं, चेक कैसे बनाते हैं, डिमांड ड्राफ्ट कैसे बनाते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग का काम कैसे किया जाता है, वो सारा नॉलेज होना चाहिए। ही शुड हैव नॉलेज ऑफ बैंकिंग। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, आजकल हर ऑफिस में कंप्यूटर्स जरूरी हो गए हैं, तो कंप्यूटर्स कैसे ऑपरेट किया जाता है उसका भी नॉलेज होना चाहिए। सो ही मस्ट हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, क्योंकि आजकल हर ऑफिस में ज्यादातर काम कंप्यूटर के ऊपर, तो कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। भाई आईटी का थोड़ा बहुत अगर आपने कुछ कोर्सेज वगैरह करके रखे हुए, वर्ड है, सॉफ्टवेयर वगैरह की नॉलेज है, तो आप अच्छी तरीके से ऑफिस के कामकाज को हैंडल कर सकेंगे। सो साउंड जनरल एजुकेशन, अकाउंट से, बैंकिंग है, कंप्यूटर से, और मेन चीज क्या है, अपने मालिक के बिहाफ में लोगों से मिलता है यह पर्सनल सेक्रेटरी, इसलिए लैंग्वेज या भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। ही शुड हैव गुड कमांड, ओवर लैंग्वेजेस।
अब लैंग्वेजेस में जैसे एक तो इंग्लिश का ज्ञान होना चाहिए, इंग्लिश अच्छे से आना चाहिए, फ्लुएंटली आना चाहिए। दूसरा हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, और तीसरी हमारे राज्य की भाषा, क्योंकि आप किसी भी सरकारी दफ्तर में जाएंगे तो वहाँ पर आपको मराठी अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि सभी फॉर्म्स वगैरह मराठी में होंगे। तो रीजनल लैंग्वेज आना चाहिए। अब रीजनल लैंग्वेज का कैसा है कि तमिलनाडु में हूं तो तमिल आना चाहिए, महाराष्ट्र में हूं तो मराठी आना चाहिए, गुजरात में हूं तो गुजराती आना चाहिए। सो ही शुड हैव गुड कमांड ओवर थ्री लैंग्वेजेस, इंग्लिश, नेशनल लैंग्वेज एंड रीजनल लैंग्वेज। ये क्वालिफिकेशन है एक कामयाब या अच्छा पर्सनल सेक्रेटरी बनने के लिए। सो दिस वॉज द फर्स्ट कैटेगरी जिसको हमने डिस्कस किया इन पर्सनल सेक्रेटरी। अब नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तब हम सेकेंड कैटेगरी स्टार्ट करेंगे, दैट इज इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। ये पर्सनल सेक्रेटरी आपको मिल जाएगा ऑन पेज नंबर 6। यहां से आप इसकी तैयारी कर लेंगे, प्रिपरेशन कर लेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में वी विल कंटिन्यू विद इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी वो होता है जो किसी व्यक्ति के लिए काम नहीं करता बल्कि किसी संस्था या ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है। सेक्रेटरी ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी है, सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी है, सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन है, इस प्रकार से इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी है। नेक्स्ट लेक्चर में इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी में तकरीबन हम 2 प्रकार या 3 प्रकार के डिस्कस करेंगे। ओके, सो आज हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। जब तक अगले लेक्चर में हम नहीं मिलते हैं तब तक स्टे होम, स्टे सेफ। एकदम जरूरी हो, अनअवॉइडेबल हो तो ही बाहर जाएं। अदरवाइज आप देख रहे हैं केसेस तो रोज बढ़ रहे हैं। इन इंडिया द टोटल कोरोना केसेस हैव क्रॉस 35 लाख। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच।